नमस्कार दोस्तों, इस पॉसिबल चैनल में आपका स्वागत है। पटवारी परीक्षा। दोस्तों, पटवारी परीक्षा संबंधित कई वीडियो हम आपको पहले प्रोवाइड करा चुके हैं, जिनमें पटवारी नोटिफिकेशन, पटवारी फॉर्म कैसे भरें, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें, पटवारी तैयारी आसानी से कैसे करें, और सिलेबस संबंधी काफी वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। दोस्तों, अब बात करें तो इस वीडियो को बनाने के उद्देश्य की, तो दोस्तों देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप, फेसबुक पर कुछ न्यूज प्रिंट और कई प्रकार के मैसेज भेजने का दौर चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 महीने टल सकती है पटवारी परीक्षा। और एक प्रिंट में तो यह भी बताया जा रहा है कि नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, तय सीमा पर होगी पटवारी परीक्षा। तो दोस्तों, यह अफवाह है या सच्चाई? इससे हम जो अभ्यर्थी हैं, हम जो आवेदन करता है, उनको काफी दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी कुछ बात होगी तो व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा भरोसा हम जिस पर रखें वो होगी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो प्रश्न पत्र का स्तर है वह क्या रहेगा, अभ्यर्थी किस लेवल तक तैयारी करें। व्यापम ने तो अपने सिलेबस घोषित करके बता दिया कि इसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य अभिरुचि, सामान्य हिंदी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज और कंप्यूटर विज्ञान, इस प्रकार की जो भी आपके सिलेबस रहेंगे, इस प्रकार के टॉपिक आपके इसके अंदर से आएंगे। तो दोस्तों, MPPEB यानी मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनर कंट्रोल श्रीमान AKS भदौरिया जी ने स्पष्टीकरण देके बताया है कि कितना कठिन हो सकता है पटवारी का प्रश्न पत्र। पर दोस्तों, उसके पहले पटवारी परीक्षा संबंधित जो समस्या आ रही है, हम उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, काफी दिनों से देखा जा रहा है, जब से पटवारी परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है, मार्केट में जो भी बुक सेलर हैं, जो भी दुकानें हैं, वहां पर काफी अभ्यर्थियों की भीड़ लग रही है। दुकान पर जाकर यह पूछा जाता है कि भाई सिलेबस कितना क्या रहेगा, अलग अलग लेखकों की अलग अलग किताबें खरीदी जा रही है। तो दोस्तों, कई प्रकार की किताबें तो ऐसी मिल रही है जिसमें एक ही बुक के अंदर सारा मतलब मटेरियल जो दे दिया गया है आपका। कई प्रकार के जो लोग हैं जो अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं, वो हर जो भी टॉपिक आपका उसकी अलग अलग प्रकार की बुक्स लेकर आए हैं। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही आ रही है कि अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि व्यापम ने जो सिलेबस दिया है उसका पैमाना क्या रहेगा। जैसे कि सामान्य ज्ञान और सामान्य की हम बात कर लें, तो दोस्तों यह जो सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और सामान्य हिंदी है, तो दोस्तों इसका सामान्य व्यापम की पिछली परीक्षाओं से अगर देखा जाए, जिस प्रकार की जो व्यापम की सीधी भर्ती जो हुई है उनसे अगर कंपेयर किया जाए, तो व्यापम का सामान्य इतना सामान्य नहीं होता है। दोस्तों, व्यापम के सामान्य के अंदर भी काफी कठिन चीजें पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेबर इंस्पेक्टर के अंदर जो कंप्यूटर आया था, सामान्य कंप्यूटर बताया गया था, पर दोस्तों उसका जो सिलेबस था वह CS कंप्यूटर साइंस, IT, इसी इस प्रकार के जो इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था वह दे दिया गया था। और अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमेशा इसका BSc लेवल का ही रहा है। तो दोस्तों, हम यह समझ सकते हैं कि व्यापम का सामान्य सामान्य नहीं होता है, वह काफी कठिन होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस चर्चा की जो DB भास्कर के पत्रकार की व्यापम के अधिकारियों से हुई थी। दोस्तों, व्यापम के अधिकारियों से जो पहला प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के अंदर यह जानकारी ली गई थी कि बोर्ड से सिलेबस जारी नहीं होने से पटवारी भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी काफी परेशान हैं, जिसके जवाब में अधिकारियों का जवाब था, ये हमारी समस्या नहीं है, राजस्व विभाग को सोचना था, हम तो सिर्फ परीक्षा आयोजित करवा रहे थे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो रखा गया था वह था, क्या परीक्षा के प्रश्न पत्र भी विभाग बनाएगा। तो दोस्तों, इसके जवाब में अधिकारियों का जवाब था, प्रश्न पत्र तो हम ही तैयार करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं दोनों प्रश्न और उनके उत्तरों की। तो दोस्तों, दोनों जो उत्तर दिए गए हैं वह काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, यह जो उत्तर इन्होंने दिए हैं उसको समझना हमारी समस्या तो परे है। दोस्तों, अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न रिपोर्टर ने रखा था। उस प्रश्न को यह पूछा गया था कि फिर परीक्षा में किस सिलेबस के सवाल आएंगे, यह कैसे तय होगा, अभ्यर्थी जो है, जो आवेदन करता है, वो तो काफी उलझन में है। तो दोस्तों, अधिकारियों का जवाब था, हम सभी विषयों के सामान्य प्रश्न ही पूछेंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि यह सामान्य प्रश्न क्या इतने सामान्य होंगे कि हर अभ्यर्थी उसको आसानी से हल कर सकेगा, सॉल्व कर सकेगा।
दोस्तों यह एक काफी जटिल क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न था कि सामान्य विषय के सवाल तो होंगे लेकिन उनका पैमाना क्या रहेगा। दोस्तों उसके उत्तर में जो जवाब दिया था अधिकारियों ने वह जवाब था, परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है तो हम उसी हिसाब से प्रश्न पत्र बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। जो क्राइटेरिया पिछली बार 12th हुआ करता था, 12th प्लस DCA PGDCA से मांगा जाता था, उसकी जगह पे इन्होंने जो क्राइटेरिया अभी रख दिया वो है ग्रेजुएशन। यानी दोस्तों सारा जो फोकस किया गया है हाई एजुकेशन के ऊपर किया गया है। तो दोस्तों एक बात तो साफ है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी कठिन या काफी टफ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न उनके सामने रखा गया था, यानी आपका मतलब गणित के सवाल BSc गणित सिलेबस और अंग्रेजी के BA स्तर के सवाल होंगे, तो फिर ये सामान्य सवाल कैसे हुए, ये जनरल क्वेश्चन कैसे हुए। तो दोस्तों उसके जवाब में अधिकारियों का जवाब था, हाँ आपकी बात सही है, प्रश्नों का स्तर अलग अलग होगा, इसमें बहुत से वेरिएशन होंगे क्योंकि परीक्षा में आर्ट्स गणित अंग्रेजी आदि विषयों के ग्रेजुएट छात्र शामिल होंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सवाल बनाएं जिसे सभी अभ्यर्थी हल कर सके। अब दोस्तों अगर दोनों जवाब जो अधिकारियों ने दिए हैं उसकी अगर बात करें तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो लेवल रखा गया है, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि BSc लेवल तक का भी गणित पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उसकी अगर बात करें तो एक बात पूरी क्लियर कर दी जाती है कि जो प्रश्न पत्र का जो स्तर रहेगा वो काफी हाई होगा, यानी आने वाले क्वेश्चन काफी टफ रहेंगे। तो दोस्तों अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी का जो स्तर है हमें इतना हाई रखना चाहिए कि हमें सिलेबस को ए से लेकर जेड तक पूरी चीजें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं तारीख आगे बढ़े या ना बढ़े, हमारे पास जो समय है उसी समय में हमको हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। दोस्तों आपको लगता है कि हमारे यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।